हाय गाइस, वेलकम टू द एग्जाम डेली। आज का वीडियो में हम अभी देखने वाला है बीईएल में आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन दिया है, उसके बारे में हम अभी फुल डिटेल देखेंगे गाइस। ओके गाइस, हम अभी वीडियो में जाएगा। बीईएल मतलब क्या? मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म से हम लोग बीईएल बोलते हैं। इसको बीईएल को ऑफिशियल वेबसाइट ये गाइस, इसमें आपको हम अभी नोटिफिकेशन देखने वाला है। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपने स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो सबको जो व्हाट्स न्यू जैसे एडवर्टाइजमेंट का जो जो क्या है करके फुल डिटेल दिया है। सो हम अभी फर्स्ट फर्स्ट देखने वाला है सीरियल नंबर 1 पोस्ट में रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर्स फॉर हैदराबाद यूनिट। एंड देन इसमें क्लिक हियर डिटेल एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन से एक एक दिया है। सो फॉर अप्लाई फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ ये नोटिफिकेशन दिखने के लिए। ये क्लिक हियर दिखा है। सो अप्लाई ऑनलाइन मतलब ये क्लिक करना है। एप्लीकेशन फी एंड फी पेमेंट एंड देन ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड एस सी एस टी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। सो फॉर्मेट फॉर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो आपको फॉर्मेट चाहिए थे एक एक को जैसे क्लिक करके आप देख सकता है, पीडीएफ जैसे आपको मिलेगी। सो के जस्ट फर्स्ट में आपको क्लिक करके जो क्या नोटिफिकेशन हम अभी देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे करके हम अभी देखेंगे। फर्स्ट क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फर्स्ट क्या दिया कर देखेंगे। फर्स्ट आपको डेट दिया है, सो 21/07/2021 आज ही आपको दिया है नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन का चालू का डेट आज ही है, आज से आपको 4 अगस्त तक आपको अवेलेबल। सो इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या करके फर्स्ट देखेगी। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर, सो इसका नेम ऑफ द पोस्ट दिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर में कौन सा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जैसे रहते हैं ना, सो कौन सा इसमें कौन सा प्रोजेक्ट इंजीनियर में कौन सा पोस्ट में कौन सा क्वालिफिकेशन चेक करके हम अभी देखेगी। फर्स्ट फर्स्ट आपको दिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पील जैसे दिया है। सो पोस्ट का कोड पीईएल, ओके गाइस, पीईएल बोलने का है। एंड द नंबर ऑफ पोस्ट इसको 36 वैकेंसीज इसको अवेलेबल। एंड देन फॉर रिजर्वेशन के लिए क्या क्या कैटेगरी को दिया है। एंड देन इसके एज क्वालिफिकेशन सबको भी नॉर्मल लिमिटेशन 28 से आपको कंपलसरी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 इयर्स चाहिए, सो 20 इयर्स फिनिश नहीं तो 28 का अंदर रहना चाहिए। एंड देन आपको एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 इयर्स तो चाहिए सब में। ओके गाइस, एंड देन नेक्स्ट का प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पीईएमई एंड देन इसका वैकेंसीज 8। सो प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए पीईसीएल इसका कोड ऐसे रहते हैं। एंड देन इसका नंबर ऑफ पोस्ट 4 वैकेंसीज अवेलेबल। सो कैटेगरी वाइज सेपरेट करके दिया है। सो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स फॉर ह्यूमन एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज का, सो पीओ एचआर एंड देन इसका 1 वैकेंसीज अवेलेबल। सो जनरल में 1 ही वैकेंसीज अवेलेबल। सो नेक्स्ट देखेगी, सो एज को एज का रिलैक्सेशन भी दिया है फॉर एस सी एस टी को, 5 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दिया है। सो अभी 20 इयर्स मतलब इसके इसके साथ 5+5 करना है, 28 मतलब 29, 30, 31, 32, 33, सो 33 तक आपको अवेलेबल है, आपने डाल सकता है। फॉर ओबीसी को 3 इयर्स आपको एक्सटेंड करके दिया है, फॉर 28+3 करने को तो आपको मिल जाएगा। फॉर डिसेबिलिटीज को आपको 10 इयर्स आपको रिलैक्सेशन दिया है, सो इससे 10 इयर्स ऊपर भी आपने कर सकता है। सो एज इसका भी दिया है। एंड देन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का डिटेल दिया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 रिक्वायरमेंट इसका पे स्केल दिया है, एटलीस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में ले रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, सो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको ले रहा है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको पे स्केल अलग आपको डिफरेंट होता है। सो फर्स्ट वन 35,000 एंड 40,000 एंड 45,000 एंड 50,000 इसके इसमें जो जो अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के साथ में आपको डिफरेंट रहेगा, लेकिन पे स्केल इतना है। सो वो दिया है। एंड देन इसके साथ आपको 10,000 पर ईयर में आपको एक्स्ट्रा देगा फॉर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में पीईएल ऐसे शॉर्ट बोलते हैं। एंड देन क्वालिफिकेशन इसको चाहिए बीई बीटेक एंड देन बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। सो इसका क्वालिफिकेशन रहेगा तो इसको अप्लाई कर सकता है। फॉर मैकेनिकल के लिए आपने बीई बीटेक बी एस इन मैकेनिकल में फिनिश होना चाहिए। फॉर प्रोजेक्ट एंड कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक बी एस इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस में आपने फिनिश करना चाहिए। एंड देन आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर के लिए एमबीए एमएसडब्ल्यू एमएचआरएम एमबीए का अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको फिनिश करना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना है। एंड देन आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन सो मिनिमम 2 इयर्स उसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा ना जैसे इसमें भी दिया है। एंड इसके टर्म्स एंड कंडीशन जैसे फुल डिटेल दिया है। एंड देन प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या आपको नॉलेज लेना चाहिए करके अलग अलग टिप्स जैसे जो है फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर मैकेनिकल जैसे सब सब अलग अलग आपको दिया है।
एंड देन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो ये एप्लीकेशन कैसे मोड, मतलब फुल एंड फुल ऑनलाइन मोड, आपके पे भी ऑनलाइन सो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन. मैं आपको फर्स्ट दिखाया है ना आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट, वो पोर्टल में अप्लाई ऑनलाइन वो भी क्लिक करके भी हमने कर सकता है. नहीं तो हम लोग एग्जाम डेली वेबसाइट में भी अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाएगा, वो क्लिक करे तो डायरेक्ट पेज आपको ओपन होगा. उसे दोनों चॉइस में कौन सा भी कर सकता है. सो एप्लीकेशन का डेट मैंने पहले बता दिया है, ओपन 21/07/2021 आज से शुरू हो रही है एंड देन 4 अगस्त तक आपको बंद हो रही है. सो इसके अंदर आपने ओपन डेट 21/07, क्लोजर डेट 4/08, सो इसके अंदर आपने एप्लीकेशन कर सकता है. सो फी का डेट भी वही है, एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया. जब भी आपने अप्लाई करते हैं तब भी एप्लीकेशन फी भी पे कर दे, जैसे भी डाउनलोड करके रख दो. एंड देन एप्लीकेशन फी कितना, मतलब फॉर इंजीनियर वन ऑफिसर वन के लिए 500 रुपीज पे करना है. एंड देन फॉर एक्सेप्शन मतलब पीडब्ल्यूडी SC ST लोग को एप्लीकेशन फी नहीं है, बाकी लोग पे करना है 500 रुपीज पे करना है. सो फुल एंड फुल ऑनलाइन मोड में कैसे पे करना है, SBI का अलग रेफरेंस नंबर जैसे दिया है वो डिटेल देख लो, रेफर कर लो गाइस. एंड देन जो क्रिटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर में इतना मार्क्स रहना चाहिए जैसे दिया है, वो भी एक बार चेक कर लो. सो एक बार देखेंगे, फॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स 75 तो 75 मार्क्स होना चाहिए. एंड देन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10 मार्क्स में आपको देगा. एंड देन फॉर इंटरव्यू में आपको शॉर्टलिस्ट स्कैनर वीडियो बेस में 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपको रहेगा. सो उसका लिस्ट दिया है क्या क्या करने का, मतलब जनरल कंडीशंस भी दिया है क्या टर्म्स एंड कंडीशन जैसे, वो भी एक बार रेफर कर लो. वे शॉर्टली नोटिसेस जैसे मैं आपको शॉर्टली क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या क्या नीडफुल करके मैं आपको बता दिया है. और क्लैरिफिकेशन आपको जो भी इसमें भी मेरे नोटिफिकेशन पढ़ के हो गया फिर भी मेरे को डाउट है, मतलब जो ईमेल आईडी दिया है उन लोग ऑफिशियल ईमेल आईडी वो अपने करके ईमेल में अपने ईमेल करके भी आपको रिप्लाई लोग देगा. सो उसमें में भी आपने आपको क्लैरिफिकेशन क्लियर कर सकता है. ओके गाइस, आज का वीडियो फिनिश हो गया. आज का वीडियो आपको यूजफुल रहेगा लग रहे, आपको जैसे नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह चाहिए तो एग्जाम डेली को सब्सक्राइब कर दो, जो भी अपडेट आ जाएगा तुरंत आ जाएगा आपको. ओके गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूँ.